हम सब लोग हर दिन देखते हैं कि एक स्विच दबाने से कैसे तुरंत बिजली जल जाती है, लेकिन यह बिजली कैसे बनती है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है, क्या यह जानने की इच्छा कभी हुई है? बिजली हमारे घरों में पहुंचने से पहले तीन चरणों से होकर गुजरती है। पहला प्रोडक्शन यानी उत्पादन, दूसरा ट्रांसमिशन यानी पारेषण, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। प्रोडक्शन, भारत में बिजली का उत्पादन ज़्यादातर तापीय प्लांट, जल विद्युतीय और नाभिकीय प्लांट में होता है, थोड़ा बहुत सौर ऊर्जा हाइडल से। विद्युत उत्पादन 21 kV यानी किलो वोल्ट पर होता है, कुछ जगह यह 16 kV पर भी होता है, किंतु यह वोल्टेज बिजली को हजारों किलोमीटर दूर इस्तेमाल की जगह तक पहुँचाने के लिए काफ़ी नहीं है। कम वोल्टेज पर बिजली को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते और इसमें विद्युतीय ऊर्जा का नुकसान भी अधिक होता है, इसलिए 21 kV पर उत्पादित बिजली को हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी जो बिजली वोल्टेज को बढ़ाता है से 232 kV या 400 kV या उससे अधिक वोल्टेज में बदलते हैं। ट्रांसमिशन, घरों तक बिजली पहुँचाने की शुरुआत यहाँ से होती है। उत्पादन के बाद वोल्टेज बढ़ाने, हाई टेंशन बिजली के तारों से सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाने को विद्युत ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये बड़े बड़े बिजली के टावर तो सभी ने देखे होंगे, इन्हीं टावरों से ही बिजली को उत्पादन की जगह से वितरण की जगह तक पहुंचाया जाता है। देश में कई सारे पावर प्लांट हैं जो लगातार बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी एक पावर प्लांट में ज़रूरत से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है तो अधिक बिजली का उपयोग कैसे करेंगे? इतनी अधिक बिजली को बैटरी में चार्ज भी नहीं कर सकते। ऐसे में ये सारे प्लांट आपस में एक ग्रिड से जुड़े हुए हैं। एक राज्य के सभी पावर प्लांट आपस में जुड़े हैं, जिन्हें स्टेट ग्रिड कहा जाता है। कई स्टेट ग्रिड आपस में मिलकर रीजनल ग्रिड बनाते हैं। भारत में 5 रीजनल ग्रिड है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर। 2013 में इन्हें आपस में जोड़कर नेशनल ग्रिड बनाया गया। ग्रिड की सहायता से दक्षिण भारत के पावर प्लांट से हम पूर्वोत्तर भारत में बिजली आपूर्ति कर सकते हैं। भारत में ग्रिड की व्यवस्था PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। ग्रिड की पावर लाइन अलग अलग वोल्टेज पे है। ज़्यादातर लाइन 400 kV AC की पावर लाइन है, जो रायचूर सोलापुर लाइन है। यह लाइन दक्षिण ग्रिड को नेशनल ग्रिड से जोड़ती है। ट्रांसमिशन में अब HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का उपयोग भी हो रहा है, जैसे 800 kV HVDC अलीपुर द्वार आगरा लाइन, जो एक प्रकार से पूर्वोत्तर ग्रिड को उत्तर ग्रिड से जोड़ती है। इन ग्रिड से जुड़े होते हैं सब स्टेशन जो वोल्टेज को 400 या 232 kV से घटाकर 66 kV या 33 kV पर लाते हैं। यहाँ से बिजली वितरण कंपनियों को दे जाती है, जो ज़्यादातर राजकीय बिजली बोर्ड की कंपनियाँ होती है। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली वितरण व्यवस्था सीधे ग्राहक तक बिजली पहुँचाने का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रिड से बिजली खरीदकर इनको ग्राहकों तक पहुँचाती है और ग्राहक से उसकी कीमत लेती है। बिजली को सबसे अधिक नुकसान डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। इनकी वजह उपकरणों का खराब रखरखाव, बिजली चोरी, भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि ज़्यादातर सरकारी वितरण कंपनियां घाटे में चल रही है। आइए बिजली वितरण की व्यवस्था को समझें। 66/33 kV पर पारेषण यानी सब स्टेशन से बिजली वितरण सब स्टेशन ले जाकर लाइन शहर या कस्बों में अलग अलग जगह लगे वितरण ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है। हम जो अक्सर ट्रांसफार्मर जलने की खबरें सुनते हैं, बिजली कटने पर वो ये वितरण ट्रांसफार्मर ही होते हैं। 440 वोल्ट की बिजली या 3-फेज बिजली है। ये 3-फेज बिजली कुछ बड़े कमर्शियल बिल्डिंग को बिजली सप्लाई करने के लिए होती है। आम घरों में 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई की जाती है। यह सप्लाई भी वितरण ट्रांसफार्मर से निकली 440 वोल्ट सप्लाई से ही ली जाती है। हम सब लोग हर दिन देखते हैं कि एक स्विच दबाने से कैसे तुरंत बिजली जल जाती है,
लेकिन यह बिजली कैसे बनती है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है, क्या यह जानने की इच्छा कभी हुई है? बिजली हमारे घरों में पहुंचने से पहले तीन चरणों से होकर गुजरती है। पहला प्रोडक्शन यानी उत्पादन, दूसरा ट्रांसमिशन यानी पारेषण, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। प्रोडक्शन, भारत में बिजली का उत्पादन ज़्यादातर तापीय प्लांट, जल विद्युतीय और नाभिकीय प्लांट में होता है, थोड़ा बहुत सौर ऊर्जा हाइडल से। विद्युत उत्पादन 21 kV यानी किलो वोल्ट पर होता है, कुछ जगह यह 16 kV पर भी होता है, किंतु यह वोल्टेज बिजली को हजारों किलोमीटर दूर इस्तेमाल की जगह तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। कम वोल्टेज पर बिजली को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते और इसमें विद्युतीय ऊर्जा का नुकसान भी अधिक होता है।